जैन साथियों नमस्कार, स्वागत आप सभी का लूसेंट जी के रिवीजन क्लास में। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपके आगामी एग्जाम्स के लिए, जैसे कि उत्तराखंड पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड तथा कनिष्ठ सहायक। दोस्तों यूकेपीएससी व यूके ट्रिपल एससी के द्वारा जितनी भी परीक्षाएं कराई जाती है उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों इस वीडियो में हम पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करेंगे जो कि राज्यसभा से संबंधित है। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। इस वीडियो में हम सीधे प्रश्न और सीधे उत्तर देखेंगे ताकि कम से कम समय में अधिक से अधिक रिवीजन हम कर सकें। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए दोस्तों, भारतीय संसद का जो अपर हाउस है उसे राज्यसभा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, राज्यसभा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि? तो देखिए राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा, क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो दोस्तों राज्यसभा में अधिकतम सीटों की जो संख्या है वो 250 हो सकती है, ठीक है, 250। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? तो दोस्तों प्रश्न पूछ लिया जाता है, आपको याद रखना है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 245। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो देखिए दोस्तों प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 12। क्वेश्चन नंबर 6 है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों का, यानी कि राज्यों का तथा संघ शासित क्षेत्रों का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती है उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं? दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विशेष निर्वाचक मंडल के द्वारा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है, दोस्तों किस पद्धति से होता है यह हमें बताना है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य की जनसंख्या पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश, प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन सी, 31 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित राज्यों के युग्मों में से किसको राज्यसभा में सम्मान प्रतिनिधित्व मिला है? तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी कि आंध्र प्रदेश एवं मध्य प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल तथा ओडिशा एवं राजस्थान, ठीक है, इन सभी को। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दिल्ली व पुदुचेरी का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है, मध्य प्रदेश तथा गुजरात। क्वेश्चन नंबर 16, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की बिहार में कितनी सीटें हैं? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 16। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही अवरोही क्रम होगा? तो दोस्तों ऑप्शन ए प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 18, राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए? तो दोस्तों यहां पर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु है?
तो दोस्तों ऑप्शन सी राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों बेसिक क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछ लिया जाता है, तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 6 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 21 है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। दोस्तों कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, राज्यसभा के एक तिहाई सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा नए एक तिहाई सदस्य उनका स्थान लेते हैं? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 23, क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग कर सकता है? तो दोस्तों अच्छा प्रश्न है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नहीं। क्वेश्चन नंबर 24 है, क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ होता है? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नहीं। अगला प्रश्न है, लोकसभा की भांति राज्यसभा कभी भंग नहीं होती किंतु? तो दोस्तों किंतु प्रत्येक 2 वर्ष के बाद उसके एक तिहाई सदस्यों की जो सदस्यता है वो समाप्त हो जाती है, ठीक है? तो ऑप्शन भी यहां पर प्रश्न के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, राज्यसभा के 2/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर पदमुक्त हो जाते हैं। यहां पर ऑप्शन सी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों ऑप्शन सी, लोकसभा और राज्यसभा में एक बात में अंतर है कि लोकसभा का निर्वाचन कोई भी प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से लड़ सकता है, परंतु राज्यसभा का प्रत्याशी सामान्यतः वहीं का होना चाहिए जहां से वह प्रत्याशी बन रहा है। तो दोस्तों ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल सही कथन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, लोकसभा और राज्यसभा के गणपूर्ति संख्या है। तो देखिए दोस्तों राज्यसभा और लोकसभा में जो गणपूर्ति कोरम है वो कितना है? तो प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। क्वेश्चन नंबर 29, राज्यसभा में गणपूर्ति के लिए निर्धारित संख्या है। तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 25। क्वेश्चन नंबर 30, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो दोस्तों राज्यसभा को भंग करने का अधिकार इनमें से किसी को भी प्राप्त नहीं है, ठीक है? क्योंकि जो राज्यसभा है वो क्या है, परमानेंट हाउस है, यानी स्थाई सदन। क्वेश्चन नंबर 31, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो दोस्तों उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सभापति होता है। अगला प्रश्न है, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 33, राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? तो दोस्तों राज्यसभा के सभापति का जो चुनाव है वो लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, राज्यसभा का सभापति, तो दोस्तों राज्यसभा का जो सभापति होता है वो लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से जो है चुना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता असदस्य द्वारा की जाती है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्यसभा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपसभापति। क्वेश्चन नंबर 37, राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? तो दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राज्यसभा के सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकता है? तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 39, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, निर्वाचन आयोग। क्वेश्चन नंबर 40, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है? तो दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है यह किसके द्वारा होता है? राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन डी जो है प्रश्न का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 41, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? दोस्तों प्रश्न जो है परीक्षा में पूछ लिया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर एस राधा कृष्णन। चलिए क्वेश्चन 42, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इसके एक तिहाई सदस्य प्रति दो वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नांकित में कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, राज्यसभा को कौन ऐसे अनन्य अधिकार प्राप्त है जो लोकसभा को नहीं प्राप्त है? दोस्तों प्रश्न के अनुसार यहां राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी कि राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना तथा अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का अधिकार संघ सरकार को देना। ठीक है, तो उपयुक्त दोनों सही होंगे। अगला प्रश्न है, नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व है? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्यसभा के प्रस्ताव का। क्वेश्चन नंबर 47, संविधान का अनुच्छेद 312 राज्यसभा को निम्नलिखित में से किसका अधिकार प्रदान करता है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, एक या अधिक अखिल भारतीय सेवा सृजित करने का। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, केंद्रीय संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है यदि? तो देखिए दोस्तों, यदि राज्यसभा उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करें तो, ठीक है, एक बार फिर समझेंगे, जो केंद्रीय संसद है वो राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है यदि राज्यसभा उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करे। क्वेश्चन नंबर 49, राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 14 दिन तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता यदि उच्च सदन उस पर किसी समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके? तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 14 दिन तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाना चाहिए? तो दोस्तों ऑप्शन सी प्रश्न का राइट आंसर होगा, 14 दिन। क्वेश्चन नंबर 52, राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है? तो दोस्तों राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, तो ऑप्शन डी प्रश्न का राइट आंसर होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस परिस्थिति के अंतर्गत राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? तो दोस्तों ऑप्शन डी प्रश्न का राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा एक स्थायी सदन होने के कारण इसके, तो दोस्तों एक तिहाई सदस्य जो है प्रति दो वर्ष सेवा निवृत्त होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 55, राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों में
12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 80। चलिए क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं है? तो दोस्तों अध्यक्ष के निर्वाचन में, ऑप्शन बी प्रश्न का राइट आंसर होगा, अध्यक्ष के निर्वाचन में। क्वेश्चन नंबर 58, राज्यसभा, तो दोस्तों जो राज्यसभा है ये भंग नहीं हो सकती है, ऑप्शन ए प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा एक है, तो दोस्तों जो राज्यसभा है ये एक स्थायी सदन है, ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 60, धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 14 दिन। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 61, राज्यसभा सामान्य विधेयक को अधिकतम कितनी अवधि के लिए रोक सकती है? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 6 माह। चलिए क्वेश्चन नंबर 62, सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? तो दोस्तों ऑप्शन डी, पृथ्वीराज कपूर को। क्वेश्चन नंबर 63, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो दोस्तों यहां पर प्रथम फिल्म अभिनेत्री की बात की जा रही है, तो नरगिस दत्त प्रश्न का राइट आंसर होगा, नरगिस दत्त जो है राज्यसभा के नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री थी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन नंबर 65, प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होते समय निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के सदस्य थे या कौन राज्यसभा का सदस्य था? तो दोस्तों ऑप्शन डी प्रश्न का राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी, यानी कि इंदिरा गांधी, इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह, ये सभी जो है राज्यसभा के सदस्य थे जब ये प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 है, राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बीएस रमा देवी। क्वेश्चन नंबर 67, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा 3 अप्रैल 1952 को जो है राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन होता है। चलिए अगला प्रश्न है, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों 13 मई 1952 को राज्यसभा की प्रथम बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के पहले समूह की सेवानिवृत्ति कब हुई? तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2 अप्रैल 1954 को। क्वेश्चन नंबर 70 है, राज्यसभा कब भंग की जा सकती है या की जाती है? तो दोस्तों ऑप्शन डी, राज्यसभा कभी भंग नहीं की जाती है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही है? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 और 2, यानी कि राज्यसभा की जो अधिकतम अनुज्ञेय संख्या है वो 250 है, दूसरा है राज्यसभा में 238 सदस्य राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, 1 और 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 72, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल, तो दोस्तों समाप्त होने का विषय नहीं है, ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, हमारे संविधान के अनुसार जो है राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने का विषय नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 73, राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु अर्हताओं के संदर्भ में निम्नलिखित अभिकथनों पर विचार कीजिए तथा उसके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। चलिए देखिए, उम्र कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए, दूसरा है जहां से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाना है उस राज्य की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए, चलिए तीसरा है राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारित नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों यहां पर हमें सही कूट का चयन करना है, तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 एवं 2 सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल राज्यसभा में यह शक्ति निहित है कि या वह यह घोषणा करें कि राज्य सूची में से किसी विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित के में संबंध विधि बना सकती है। ठीक है, दूसरा है आपात की उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प केवल लोकसभा द्वारा पारित किए जाते हैं। चलिए तीसरा ऑप्शन देखेंगे, उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है। तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल कथन ए जो है यहां पर क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 75। लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोके रखे सकती है। तो दोस्तों यहां पर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 14 दिन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्य को नामित किया जा सकता है। तो दोस्तों ऑप्शन बी प्रश्न का राइट आंसर होगा 12। क्वेश्चन नंबर 77, संसद के किसी भी सदन के दो सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 6 महीने। अगला प्रश्न है, राज्यसभा विघटित हो जाती है। तो दोस्तों राज्यसभा कभी नहीं विघटित होती। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, कभी नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो दोस्तों हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी इसमें देखा था 6 वर्ष का होता है। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 80, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है। तो उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। ठीक है, ऑप्शन डी प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है। तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत का उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों यहां पर राज्य तथा राज्यसभा में स्थानों का आवंटन दिया गया है, तो यहां पर हमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र 19। ठीक है, यहां पर जो ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से किसे राज्यसभा में पहले पुनः स्थापित या पेश नहीं किया जा सकता है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, वार्षिक वित्तीय विवरण। तो दोस्तों ये था हमारा लूसेंट जीके ऑब्जेक्टिव बुक से राज्यसभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।